खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट BN कालानी बिल्डिंग ट्रस्ट के द्वारा एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस के संयुक्त तत्वाधान में भव्य निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन किया गया जो कि 12 फरवरी तक रहेगा। यह आयोजन पार्श्व आरोग्य धाम शांति नगर मनोरमा गंज इंदौर पर रखा गया था। यहां पर सैकड़ों महिलाओं ने इस शिविर का लाभ लिया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर रहे एस नायर, डॉक्टर प्रतिभा दोषी, डॉक्टर महेश पाटनी, डॉक्टर श्वेता जी, राष्ट्रीय जन सितंबर फाउंडेशन ट्रस्ट अध्यक्ष प्रकाश भटेवरा, डॉक्टर शरद दोषी, जिनेश वर जैन, विक्रम श्रीमाल, राजेश चौड़िया, डॉक्टर विजय छजलानी, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप विजय बड़जात्या, संस्थापक संरक्षक अक्षय कासलीवाल, संजय बड़जात्या, जितेंद्र पोरवाल, हेमंत पाटनी। मैया का आशीर्वाद है, ये दिन दुनी आगे बहुत उन्नति करे और इससे जीव मात्र को लाभ मिले, सुख मिले, ऐसी गुरुणी मैया की भावना और जितने भी इसके सहयोगी हैं उनके प्रति गुरुणी मैया की हार्दिक मंगल भावना। वे स्वस्थ रहे तो इस संस्था को उन्नत बना सकेंगे, तो उन सब के लिए भी तन मन और धन से स्वस्थ रहे, ऐसी उनके प्रति भी मंगल भावना। बताइए आश, और विशेष रूप से यहाँ पार्श आरोग्य धाम में शिविर लगाया गया है, क्या शिविर है और क्या इसमें कौन से पेशेंट को यहाँ लाभ मिल रहा है? ये शिविर खास तौर पर महिलाओं में होने वाले दो प्रमुख कैंसर हैं, एक स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, उनकी निदान के लिए लगाया गया है। उसमें हम उसके रोकथाम की बात करते हैं कि जिससे अगर इसमें जाँच अगर हम पूर्व में जाँच करेंगे, इसमें अगर हमको कोई लक्षण मिलते हैं जो अभी कैंसर पर बना नहीं है उसके पूर्व के लक्षणों से भी हम उनको पहचान कर सकते हैं, और अगर वो पहचान कर लेते तो 100% इसमें कैंसर से ठीक होने की संभावना हो जाती है। कल के और आज के हमारा ये हुआ कि ब्रेस्ट के अंदर भी हमको कुछ नए केस पहली बार पता लगे हैं, और बच्चेदानी के कैंसर में बहुत ज़्यादा खराबी अभी हमको जो नई मशीन आई है, इन मशीनों की टेक्नोलॉजी से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम ये जो काम कर रहे हैं ये काफ़ी रिलायबल है, बहुत अच्छी है, बहुत पीड़ा रहित है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत जल्दी ही तत्काल हमको निर्णय मिल जाता है कि कुछ संभावित लक्षण है या संभावना है कैंसर की, और ये पता लगाने के लिए हम कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे पास जो कैपेसिटी है 25 से 30 लोगों की हम जाँच कर सकते हैं, और आज और कल 3 दिन के लिए शिविर लगाया गया है। ये शिविर यहाँ पर स्थायी रूप से, ये कार्यक्रम स्थायी रूप से प्रतिदिन चले, ऐसी व्यवस्था अब हम लोग कर रहे हैं। कुछ अतिशीघ्र एक ऐसा कैंसर निदान केंद्र यहाँ पे बनेगा जिसमें सारे प्रकार के कैंसर, बॉडी के अंदर पुरुषों के भी मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, रक्त कैंसर और फेफड़े के कैंसर की सारी बचाव की प्रक्रिया यहाँ से संचालित हो सके। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर SS नैयर। यहाँ पर जिस प्रकार से जो शिविर लगाया जा रहा है इसमें क्या मतलब निशुल्क किया जा रहा है, पर इसमें जनरली बाजार में कितनी कीमत होगी जो यहाँ निशुल्क है? यहाँ निशुल्क ब्रेस्ट की मेमोग्राफी की जा रही है, बाजार में 150 से 2000 रुपये लगते हैं। साथ ही साथ कैंसर की जाँच की जा रही है जो कि बाजार में लगभग 2000 रुपये लगते हैं। सारी जाँचें यहाँ निःशुल्क की जा रही है। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर विजय सजलानी, इंचार्ज पार्श्व आरोग्य बिंदु। और इस प्रकार के जो यहाँ पर शिविर लगाए जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो बिल्कुल सोचते हैं, अच्छा ये बताइए इस प्रकार के जो क्या जीवन में हमारा खान पान को लेकर इस प्रकार की बीमारी ज़्यादातर आजकल होने देखने को मिलती है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी बीमारी कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई राज तो रहता ही है। खान पान अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से भी ये होने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपका रहना, किस ढंग से अपन रहते हैं, किस ढंग से अपन खाते हैं, किस ढंग से अपन सोते हैं, ये सब पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कैसा वातावरण है उस पर भी डिपेंड करती है। पर जो हम यहाँ कैंसर का लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को दिल और दिमाग में जरा सी भी शंका हो कहीं मुझे कैंसर हो, दूसरा उसके खानदान में कभी किसी को कैंसर हो तो उसको ये सब जाँचें करा लेनी चाहिए। अगर अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर मालूम पड़ जाता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो जिसका लक्षण नहीं होता है, बगैर लक्षण के ही अपने आप अंदर बढ़ता है। इसके लक्षण तब आते हैं जब ये फैल जाता है, तो अगर पहले इसको मालूम पड़ जाए तो ये 100% क्यूरेबल है। बस शर्त ये है कि पहली स्टेज पे इसको मालूम पड़ना चाहिए, और वो
उसी के लिए ये कैंसर सेंटर हमने इसको मतलब कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है, इसको उसी लाइन में हम डेवलप करें। आपका परिचय दी। मैं डॉक्टर शरद डूसी इस केंद्र का उपाध्यक्ष हूँ, इसको पूरा संचालन में कर। इस प्रकार के जो आयोजन है इंदौर में यहीं पे हो रही कि और कहीं पे हो रही समाज के द्वारा? नहीं, समाज के द्वारा कहीं और भी कहीं जगह पे हो रहे हैं, परंतु अर्ली डिटेक्शन सेंटर ये इंदौर में पहला है। ये तो या तो स्वतः ही जाके लोग जांच कराते हैं बड़े हॉस्पिटल में, हम प्रेरणा देकर के यहाँ पे बुला करके जाँच करने का ये सेंटर खोल रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हर आदमी पहले ही आकर के इसकी जांच कर ले, अगर ऐसा कोई निकलता है तो उसका आगे वो जांच करा के तत्काल स्वस्थ रह सकता है। आपका परिचय जी? मैं प्रकाश चंद्र बटेरा पार्श्व आरोग्य का अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। बताइए, आज जो पार्श्व आरोग्य धाम में विशेष रूप से जो शिविर लगा उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा शिविर है और इसमें हमारे ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया था, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस और अंकल की प्रेरणा थी। ठीक है, कैंसर। बताइए, आज जो विशेष रूप से शिविर लगाया गया उसमें कोई किस टाइप के पेशेंट के यहाँ पर मरीज का इलाज किया जा रहा है? जनरली क्या है कि महिलाओं में जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो अवेयरनेस है, पर सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए महिलाओं की निःशुल्क ब्रेस्ट